Hello? You cannot control every situation and its outcomes, but you can control how you deal with it. टूटी फूटी इंग्लिश की इन लाइनों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जीवन में आप प्रत्येक स्थिति को प्रत्येक सिचुएशन को मतलब जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में कंट्रोल संभाल नहीं सकते हैं लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप उसे कैसे एडजस्ट करेंगे कैसे मैनेज करेंगे चाहे कोई सिचुएशन हो कोई, चाहे कोई इंसान हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर स्थितियां आपके अनुकूल नहीं है तो आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं आप खुद को बदल सकते हैं अगर आप स्थितियों को या इंसानों को बदलने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा हमारे जैसे दुखी रहेंगे। बारिश हो रही तो आप बारिश बंद कराने की कोशिश मत करिए धूप निकली है बहुत तेज तो आप धूप बंद कराने की कोशिश मत करिए उस धूप में बारिश में आप कॉलेज जाएंगे ऑफिस जाएंगे अपना काम करेंगे कैसे करेंगे ये आपको मतलब मैनेज करना है छतरी के साथ जाएंगे वैसे जाएंगे फोर व्हीलर में जाएंगे पैदल जाएंगे साइकिल से जाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन आप चाहें उसे बंद करा दें तो ये बंद नहीं हो सकता है खुशी रहने का ये एक मार्मिक तरीका है दूसरा इसका एक और नज़रिए से देखें अगर कोई इंसान है जो कुछ अलग तरह की जिंदगी पसंद करता है आप उसे काफी सुधारने समझाने की कोशिश करते हैं तो ये एक दुख का ही कारण बनेगा आप अपने आप को ढाल लीजिए वैसे या फिर दूर हो जाइए क्योंकि आप लोगों की शिकायतें और मैसेज इस तरह से आते हैं तो मैं उसी के संबंध में आपको रिप्लाई कर रहा हूँ चलिए आज आपकी क्लास शुरू होती है उम्मीद है कि आप सभी कुछ बेहतर करेंगे और परिस्थितियों को चेंज करने की बजाय अपने आप को चेंज करेंगे हेलो साथियों मैं कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके कुछ कमेंट्स दिख रहे हैं वो मैं देख पा रहा हूँ आज का लाइफ बहुत कुछ बीच बीच में डिस्टर्ब हो, हो जाती है जिस वजह से आपकी क्लासे आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही हमारी कोशिश है सब कुछ एडजस्ट करने की आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बहुत बहुत थैंक यू आपको गॉड ब्लेस यू एंड गुड इवनिंग रूपा कुमारी ललित कुमार मंजू पटेल और लक्ष्मी कुमारी विकास पंकज पूजा सिंह बिसूरानी ए के के वाई आ, और कौन है भैया रामलाल सैनी ललित ज्योतिपाल अंकित शुभम मनोज यादव मोनी निकल्पना निषाद रुद्र प्रताप विदित शर्मा सॉरी विदित विश्वकर्मा और विदित श्रीवास्तव भी हैं अंकिता यादव सभी का बहुत बहुत थैंक यू एंड स्वागत है पीवीआर स्टडी में शुरू करा जाए फिर आज का प्रोग्राम साथियों कहते हैं ना अच्छा खाना बड़ी बात नहीं होती है जितना हम खाते हैं ना वो हजम होना चाहिए डाइजेशन बेहतर होना चाहिए फिर अच्छा रिजल्ट आता है सूखी रोटी खा करके भी डाइजेशन बेहतर हो तो अच्छी शरीर बनाई जा सकती है इसको क्यों बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है कम पढ़िए सिस्टम से पढ़िए स्मार्ट तरीके से पढ़िए लेकिन वो डाइजेस्ट होना चाहिए मतलब आपका तैयार भी होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप किसी कोचिंग में क्लास में कहीं पढ़ रहे हैं और गुरु जी पूरा कोर्स तीन बार पूरा कर दिए और तुम्हारा रिविजन अभी बाकी है तो फिर ऐसे कुछ नहीं होने वाला है याद रहे किसी भी कोचिंग संस्थान कॉलेज में कहीं भी आप पढ़ रहे हो अगर वहां आप तीन घंटा पढ़ रहे हो और अपने घर पे आके अगर आप चार घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप कोचिंग बंद कर दो मैं यही कहूंगा कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो कोचिंग क्लास में आठ घंटे पढ़ेंगे सात घंटे घर पे एक घंटा नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है हाँ तो डाइजेशन वाली बात आई थी तो आज हम डाइजेशन करेंगे जो पढ़े अब तक उसको एक प्रकार से रिपीट करेंगे ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आप लोग उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे और अगर आंसर आप नहीं दे पाएंगे तो मैं उनका सही आंसर बताऊंगा ये क्लास इस पर्पज से होती है कि जिनको मैथ नहीं आता उनको भी मैथ आने लगे चलिए देखिए पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए और समझने की कोशिश करिए बहुत ही आसान है पहले एकदम छोटे से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे 1280 का 15 परसेंट कितना होगा बताइए एनीमन बताइए भाई बताइए प्रिंसेस जी गुड इवनिंग प्रतिमा यादव जी गुड इवनिंग जितेंद्र जी, जी गुड इवनिंग भैया हेडफोन वाले यार मेरे समझ के परे है हमारे हेडफोन में दोनों में आवाज आती है मैं क्या कहूँ तुम्हारा हेडफोन खराब है उसे फेंक दो और कुछ नहीं कहूँगा बारह सौ अस्सी का पंद्रह परसेंट कितना होगा जिनको नहीं आएगा वो नो लिख के कमेंट करेंगे जिनको आ रहा है वो फटाफट जवाब दें देखिए ये मैथ उनके लिए है जिनको मैथ नहीं आती और वो रियल में सीखना चाहते हैं वास्तव में वो सीखना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखें और प्यार से देखें ईमानदारी से देखें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर सिकेंड Uh, और कोई यानी नहीं बता पाएंगे मैं आंसर दूंगा ठीक है डोंट वरी चलिए अब मुझे यह बताओ कि तीन गुड़ा अंडर रूट दो ये परमीय है कि अपरमीय है अपरमीय क्या है ये बहुत ही अच्छा सवाल है याद रखना अगर आपको बेसिक सीखना है तो यह क्लास पूरा एंड तक देखिएगा मैं इस क्लास में कोशिश करूंगा पचासों क्वेश्चन कराऊंगा और उनका आंसर भी बताऊंगा हल करके तरीका भी बताऊंगा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे क्योंकि आज ये सीरीज जो है रिवीजन की एक प्रकार से लाइव टेस्ट है जो आगे चल रहा था वो आगे चलता रहेगा करड़ी पढ़ रहे थे आप लोग घातांक और करड़ी ना वो मैं अगली क्लास में आगे पढ़ाऊंगा टेंशन नहीं लेने का चलो तो भैया इनका आंसर कोई नहीं दिया बहुत कम बच्चों ने बताया है कोई 200 बताया है कोई 8 बताया है कोई 5 बताया है कोई 1920 बताया है कोई बात नहीं मैं कमेंट अब पढ़ूंगा ही नहीं अब मैं सिर्फ टॉपिक पे चलूंगा आंसर आप लोग कोशिश करो एक और क्वेश्चन फिर इकट्ठा हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन संख्या हंड्रेड को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं बताओ रोमन संख्या में आ, कैसे लिखेंगे सब पढ़ा चुका हूं रोमन संख्या जानते हो द्विआधारी संख्या पद्धति बाइनरी संख्या पद्धति सब पढ़े हो चलो कोशिश करो एनीम uh, आप लोग ट्राई करो मैं uh, वीडियो एक बार प्ले करके देखता हूँ वॉइस वगैरह ठीक है क्योंकि मैं ये वीडियो प्ले करके फोन दूर रख देता हूं मैं खुद सुनता हूं कि मेरी आवाज आ रही नहीं फोन मैं काफी दूर रख दूंगा आ रही है ठीक है गुड ऋतिक uh, ने सबसे पहले जवाब दिया भाई लास्ट वाले क्वेश्चन का रेनू यादव बाबू आलोक ठीक है आलोक बाबू बहुत अच्छे सुंदर वो बहुत बढ़िया हो आप चलो डन आओ जिनको भी सीखना है मेरे भाई ईमानदारी से देखना जाना नहीं चलो 1280 का 15 परसेंट कितना होगा बहुत ही सिंपल है आपको 1280 लेना है ऐसे चुप्पे से प्यार से पकड़ना है और 15 परसेंट का चिन्ह हटा के सौ से भाग करना है बस ये तरीका है एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा देखो यार ये दस में आएगा क्यों क्योंकि ये दस से कभी भी कटेगा नहीं ऊपर वाला हिस्सा जो है तो ये डेसिमल में आएगा पंद्रह अट्ठे अठ पंचे चालीस न पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस होता है ना अठ पंचे चालीस हासिल चार आठ एकम एक आठ चार बारह तो पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस का जीरो हासिल आया बारह पंद्रह दूना तीस बारह बयालीस हासिल चार पंद्रह एकम एक पंद्रह चार उन्नीस बटा दस यार ये तो मेरे को हजम नहीं हो रहा है नहीं नहीं सही है हाँ एक सौ बानबे आया ना सही तो है ठीक तो है गुड तो है कोई दिक्कत नहीं जीरो से जीरो कट गया वन नाइन्टी टू आया करेक्ट आंसर वन नाइन्टी टू कोई कोई उन्नीस सौ बीस बता रहा था उनका गलत है अब मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा दिमाग एक्टिव रखिए खोल के रखिए ऊपर से सोना बाबू का मैसेज वैसेज आ रहा है तो उनको अभी थोड़ा देर के लिए समझा दीजिए सुला दीजिए दूध दूध पिला के वो आराम करें बाद में फिर मतलब आप लोग अपना काम करिएगा चलिए डन इसमें बात करें रेफनल नंबर है कि नंबर है है इसमें रेफनल, रेफनल दोनों शामिल अगर एक एक चोर के साथ में एक मतलब ईमानदार सज्जन आदमी हमारे जैसे शामिल हो जाए तो दोनों चोर माने जाते हैं सज्जन नहीं माने जाते हैं समझ रहे हो अगर एक बैठ के रोड किनारे शराब पी रहा है आप कितने बड़े महात्मा है अगर उसके बगल में आप बैठे रहेंगे तो आपको भी शराबी कहा जाएगा ऐसा नहीं कहा जाएगा कि दूसरा वाला भी सन्यासी है ये तो सर आप धोखे पर ले लिया है तो वैसे क्या है ये इरेफनल नंबर है इनके साथ इनका गुड़ा हो रहा है तो ये पूरा हो जाएगा। समझ में आया ये क्या हो जाएगा पूरा इरेफनल हो जाएगा जबकि इसमें है दोनों ये रेफनल है ये इरेफनल है लेकिन बुरी संगति में अच्छे जब पड़ जाते हैं तो अच्छे भी बुरे बन जाते हैं समझ में आया कुछ है आइए यहां पर बस अपना दिमाग एक्टिव करके रखना है अगला हंड्रेड को रोमन संख्या में सी से लिखते हैं सी सही है ना हो भाई अब्दुल भाई अब्दुल सपना विकास नीरज श्रीवास्तव चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है इस क्लास में ज्यादा मजा आती है पढ़ाने से ज्यादा यार जितना प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन होता है ना लोग इसमें खूब मजा लेते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन चलो तीन नंबर पे कमेंट हटाओ बगा इनको सबको बहुत कुछ पढ़ाया हूं बहुत कुछ पढ़ाया हूं मैं इतना पढ़ा दिया हूं ना कि सिर का नहीं दाढ़ी का भी बाल पक गया क्वेश्चन नंबर चार तीन बटा सात व पांच बटा नौ में कौन छोटा है बोलो फटाफट बोलो इसको अगर मैं पी से लिखूं इसको क्यू से लिखूं तो आप पी या क्यू दोनों में से एक कमेंट करो भाई चलो फटाफट डन जवाब दीजिए निशा जी पीछे हो गई तो कोई बात नहीं आलोक बाबू को ब्लॉक करो इनको अभी निशा जी का रिप्लाई चाहिए इनको ब्लॉक करो तब तक कुछ देर के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बहुत ही सिंपल है कोई अगर आंसर दिया इसमें सही तरीके से तो सपना सैनी का सही है पहला और कल्पना निषाद का सेकंड नंबर पर है ठीक है इनको करने का सिंपल तरीका ऐसे गुड़ा करो सत्ताईस सात पचे पैतीस देखो भाई सिंपल है सिंपल है वेरी सिंपल है जो गिनती बड़ी आई वो क्या है बड़ी है जो छोटी आई वो छोटी है, है, है. यानी पी वाला छोटा है पी वाला छोटा है ना कौन वाला छोटा पी वाला तीन बटा सात छोटा है पांच बटा नौ बड़ा है समझ में आया क्या करते हैं ट्रिक क्या है आपको क्रॉस मल्टीपल करना है ऐसे इनका इसमें करना है ऊपर जो गिनती बड़ी आएगी वो बड़ी नीचे मतलब इधर जो आएगी केवल ऊपर से ही मतलब नीचे तो बराबर दोनों में आएगा ना यार नौ सौ आएगा इसमें भी इसमें भी यानी फाइनल में इतना आएगा तो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है सिंपल है ये छोटा है वो बड़ा है सभी को समझ में आ रहा है ना एकदम समझ में आ रहा है चलो धुआं धाड़ कर दो फिर एकदम लगे हाथ एक बार बताओ पांच सौ छिहत्तर का वर्गमूल क्या होगा पांच सौ छिहत्तर का वर्गमूल क्या होगा ज्योति पाल यादव प्रतिमा यादव मिट्टी मिश्रा अंकित पूनम सिंह अनमोल शर्मा मार्कर में स्याही भर देता हूं फटाफट जवाब दीजिए सबका कमेंट देख रहा हूं अगर आप आज एक लोगों को पीछे करके नंबर एक पे हो जाते हो ना तो कल को आप एक लाख लोगों को भी पीछे कर सकते हो क्योंकि टारगेट छोटा छोटा बना के पूरा किया जा सकता है छत पे चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना चाहिए कूद के नहीं चढ़ सकते हो हाँ, उतरने के लिए कूद सकते हो लेकिन उसका भी परिणाम अच्छा नहीं होता है बहुत अच्छे करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फोर सबसे पहला आंसर देने वाले सपना सैनी है ऋतिक ये तो कहीं नहीं है भैया लक्ष्मी कुमारी सेकंड पर है आओ डन आगे बढ़ते हैं चलो डन ये क्वेश्चन डन ट्वेंटी फोर होगा ठीक है एक और बताओ मैथ सीख रहे ना हम मैथ यानी गणित तो, गणित से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं यह बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है बस इससे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करना शुरू कर दो क्वेश्चन नंबर छह है शायद मुझे याद नहीं डाल दीजिए नंबर यह बताओ भैया कि दू दशमलव सात यह परमीय संख्या है कि नहीं ये रेफनल है या नहीं है रेफनल या इ इरेशनल uh, uh, क्या है ये अगर ये रेफनल है तो आर लिखे कमेंट करो यानी परमीय संख्या अगर ये रेफनल है तो आई यानी अपरमीय संख्या क्या है ये आर या आई क्या होगा जैसे मैं बोलूं उसी तरीके का करो अंकित बहुत अच्छे वेरी गुड ये रेफनल नंबर है ये रेफनल नंबर है मेरे भाई ये रेफनल है इरेफनल नहीं है काहे को इरेफनल बोल रहे हो तुम लोग हम्म अरे चाचा इसको मैं 27 बटा दस लिख सकता हूं ना तो 27 बटा दस को p अपान क्यू लिख सकते हैं इसमें कौन बुराई है बड़ा गदहिया हो यार तुम लोग तो ये तब होता जब ये ऐसे कुछ होता मान लो ऐसे कुछ डट जिसकी कोई लिमिट ना होती मतलब ये अनंत बार तक गया होता तब ये इरेफनल था जिसका कुछ निश्चित नहीं है सब अनिश्चित है ये रेफनल नंबर है मेरे भैया मतलब था अब नहीं है ठीक है अब तो रेफनल हो गया इसमें कौन अभाज्य है एक और ले लो आल सभी अभाज्य है बोलो सेवन नंबर में ए बी सी डी ई जवाब दीजिए एनी वन क्वेश्चन नंबर सही पढ़ रहा है ना देखो इसमें कौन नंबर ऐसा है जो आ, क्या बोलते इन हैं इन्हें प्राइम नंबर ना हा प्राइम नंबर कौन है इसमें देखिए याद रखिएगा इसमें कुछ ऐसे नंबर हैं जो देखने में प्राइम नंबर लगते हैं लेकिन वास्तव में वो होते नहीं है इसका एग्जाम्पल आपको बार बार बताता हूं कि आपके लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो देखने में काफी मासूम लगते हैं सज्जन लगते हैं भोले भाले लगते हैं लेकिन अंदर से बड़े खतरनाक होते हैं छुपे रुस्तम होते हैं ठीक है तो देख करके आप किसी का आकलन नहीं कर सकते वैसे ये बिल्कुल है सेम टू सेम ये देखने में सभी आपको अभाज्य नजर आ रहे होंगे सकल से देखो लग रहा है कि अभाज्य है लेकिन वास्तव में ये है नहीं ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग अच्छा खासा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिंदगी में ऐसे उलझे हुए हैं लोग जैसे देखो प्रतिमा यादव बता रहे फिफ्टी वन रौनक भी बता रहे फिफ्टी वन मुझे पता है कि तुम यही बताओगे कुछ लोग एट्टी वन बताएंगे कुछ लोग नाइन्टी थ्री बताएंगे अरे नाइन्टी थ्री तो थोड़ा अभी थो उम्मीद में है एक मिनट 91 वन कर लो आप लोग इसको भी बताएंगे सुनो अभाज्य संख्या वो होती है जिनके जो फैक्टर हैं वो सिर्फ दो हो एक वो संख्या खुद हो बाकी एक वन हो बस और कोई दूसरा मतलब तीसरा ना हो समझ रहे हो ना एक प्रकार से मैं आपको इसको एक अलग तरीके में बताया था जब पढ़ा रहा था कि ये पति बर्ता और पत्नी बर्ता नारी नर जैसे होते हैं कि हम और तुम बाकी कोई और नहीं समझ रहे हो ये कौन है अभाज्य वाले में भाज्य वाले में मैंने बताया था हम तुम बाकी और सब समझ रहे हो ना जैसे Uh, वो कौन सा अभी तक आप लोग सुनते थे बताऊंगा बाद में पहले चलो इसको मतलब समझाता हूँ जैसे नाइन्टी वन हो गया ना तो नाइन्टी वन का फैक्टर क्या है वन भी है थ्री भी है नहीं सेवन है तेरह भी है नाइन्टी वन भी है तो इनके फैक्टर कितने हैं चार है ना हाँ चार फैक्टर इनके हो रहे हैं ना तो यह भाज्य कहाँ हुआ ये भाज्य हुआ ना हाँ ये बताओ एक एक इंसान के चार चार पत्नी है पांच पांच हस्बैंड है तो वो पत्नी वरता पति बरता, बरता कहाँ से हुई तो बस वैसे ही अभी हो गया इसको तो मैं आपको समझाने के लिए और भी एग्जाम्पल दिया था मुझे याद नहीं आ रहा जब क्लास आ रही थी कॉलेज कोचिंग क्लास का बहुत सारा एग्जाम्पल था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल एक ही समझ लो आप ऐसे आपने देखा होगा काफ़ी फेमस चीज़ है आजकल अभी नाम दिखाऊंगा बाद में फिफ्टी वन को लोग बोल रहे हैं वन तीन सत्रह इक्यावन ये भी इनके फैक्टर हैं हम्म? मतलब इनके इतने सारे फैक्टर हो रहे हैं तो ये सभी अभाज्य कैसे हुई नहीं हुई ना ये किससे किसे कटेगा वन थ्री सत्ताईस एटी वन नाइन तो ये कैसे हुई ये भी तो भैया हो चाचा हो ये भी तो अभाज्य नहीं हुई भाज्य हुई ना तो इनके इतने सारे फैक्टर हो गए इनके इतने सारे इनके इतने सारे इनके इतने सारे तो कहाँ से हुए जैसे आपने देखा होगा आजकल आ, ये दो नाम काफी फेमस होता है ये बहुत ही अच्छा नाम है आप लोग काफी इसको मतलब तजुर्बा क्या बोलते हैं यार उसे वरीयता देते हैं बड़े प्यार से देखते हैं और बहुत मतलब आ, क्या बोलते हैं ध्यान मगन होके सुनते हैं ये सारे वर्ड जो इनके बारे में बात बताई जाती है इसमें होता नहीं लोग कहते हैं तुम ही हो मेरे बस जानू तुम्हारे अलावा कोई है नहीं तुम्हारे लिए ही मुझे भगवान ने बनाया था अलग से बनाया था फुर्सत में समझ रहे हो लेकिन जब कुंडली खंगाली जाए तो जानू तो उधर कहीं पड़े हैं बाकी पूरी टीम तो अलग खड़ी है समझ रहे हो ना ये रियलिटी होती है काफी अनुभव एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं तुम्हें झूठ मत बोलना और गलत मत मानना <laughs> इसको मैं इसलिए इस, इस पर बताया क्योंकि इस पर यह फिट बैठता है फिट काहे को बैठता है क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है उनमें सिर्फ दो फैक्टर होते हैं मतलब दो तो मतलब जोड़ी में भी दो ही होते हैं रियल में जो होते हैं बाकी जो धोखेबाजी कई हो जाते हैं डेटी में हो जाती है तो इसमें अभाज्य वाले में सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए एक तो वो संख्या होनी चाहिए दूसरी वन होना चाहिए बाकी और कोई नहीं होना चाहिए लेकिन भाज्य वाले में चाहे जितने हो सब चलता है तो आजकल अभाज्य बहुत कम ही बचे हैं सब भाज्य हो चुके हैं सिर्फ मुझको छोड़कर मैं तो अभी रियल का भाज्य हूं चलो इनको लिख लो फटाफट जैसे देखो एक चीज यहां पे मैं और बताता हूं थोड़ा सा सुनना आप कहोगे कि भाज्य का एग्जाम्पल क्या है भाज्य का देखो ये शुद्ध एग्जाम्पल सत्रह है इसका फैक्टर वन और सेवनटीन है बाकी और कोई नहीं है बोलो है कोई क्या इनके कोई और है नहीं है ना हम्म नहीं है ना जैसे थर्टी वन ले लो इनका कोई और फैक्टर है कुछ लोग तो अभी फैक्टर नाम कौन सा जानवर का है यही नहीं समझ पाए होंगे भैया फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है यानी एक ऐसी संख्या जिससे भाग देने पर यह संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाए मैथ की भाषा में वो क्या होती है फैक्टर कहलाती कहलाती है है उसका गुणनखंड गुण गुण गुण। गुण समझ तो में आया ना तो इनमें अगर तुम वन से भाग करोगे तो जीरो आएगा से करोगे तब भी जीरो आएगा लेकिन और कोई ले को ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग करोगे इकतीस में तो जीरो आए इन दोनों को छोड़कर लेकिन इसमें क्या है तुम वन से भाग करोगे तब भी जीरो आएगा सेवन से करोगे इसको भाग तब भी जीरो आएगा थर्टीन से करोगे तब भी जीरो आएगा नाइनटी वन से करोगे तब भी जीरो आएगा मैं थोड़ा आज रुक रुक के कम बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना भैया सुना हो चाचा लोग मैथ की भाषा में इसको कट जाएगी मर जाएगी नहीं बोलते हैं <laughs> ये कट जाएगी वो छोटे बच्चे बोलते हैं आप विभाज्य हो जाएगी ऐसा बोला करो मैथ की भाषा ये है कटना नहीं बोलते हैं कटना पिटना अलग चीज होता है वो कितना क्वेश्चन हो गया <coughs> कितना क्वेश्चन <question> हो गया <coughs> कितना क्वेश्चन हुआ आगे बढ़ते हैं कमेंट के चक्कर में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कमेंट तो ऐसा ऐसा लोग करते हैं कि नहीं पढ़ता हूं मैं छोड़ देता हूं बाकी आप यूट्यूब पे देखते होंगे मैडम लोग को कुछ मैडम आज आप बड़ी गोरी लग रही हो अब मुझसे शादी कर लो मैम <laughs> देखे हो ना आप लोग देखते हो कि नहीं काफी ऐसे मीम आते हैं लोग शेयर करते हैं लेकिन मैं ऐसे कमेंट देखता नहीं हूँ बाकी लोग हमारे बारे में भी काफी कुछ टिप्पणी करते हैं ये नहीं कहते बहुत अच्छे लग रहे हो क्योंकि मैं अच्छा तो हूं नहीं बस यही इधर उधर की प्राइवेट बातें पूछते रहते हैं तो <laughs> हाँ एक और रूट तीन इंटू रूट तीन ये क्या है परमीय है क्या परमीय है भैया या अपरमीय क्या है ये रेफनल है या इरेफनल है जवाब दीजिए फटाफट शुभम बेटा पढ़ लो तुम पढ़ लो बस देखो एक चीज यहां पे समझना है कि दो परमीय संख्या का जब गुड़ा होता है सॉरी सॉरीय का इरेफनल का तो वो परमीय संख्या हो जाती है दो नंबर का मल्टीपल होता है तो वो रेफनल हो जाती है याद रखना ठीक है तो ये रेफनल नंबर है ये क्या है रेफनल नंबर है ये परमीय संख्या है क्योंकि इसका गुड़ा करोगे नौ आ जाएगा नौ का वर्गमूल तीन आ जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि इसका वर्गमूल तीन आ गया इसलिए है ये वैसे भी आप जब अंडर रूट का मल्टीपल करोगे सेम नंबर का तो हो जाता है चलो बाकी मैं आपको बहुत कुछ देने वाला था आज लेकिन कुछ कंटेंट बना नहीं हाँ टॉपिक में क्या क्या पढ़े थे करड़ी वरड़ी वाला भी पढ़ा था ना हम्म तो ये बता भैया एक थी छोटा सा क्वेश्चन है आ, यहां पर मैं कहीं लिख के रखा था कॉपी की तबीयत हमारी सब गायब कर दिए लोग रुकना थोड़ा सा रुक जाना थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए काफी अच्छा है हम्म दो संख्याओं का अंतर 250 है सुनो क्वेश्चन सुनो ध्यान से दो संख्याओं का अंतर 250 है अंतर कितना है 250 है यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल तीन और शेषफल दस आता है तो ये बताओ छोटी संख्या क्या होगी इस तरह का क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया है क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए दो संख्याओं का अंतर मींस डिफरेंस 250 है यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करें तो भागफल तीन और शेषफल दस आता है तो छोटी संख्या बताओ कर लोगे सुनो मैं फिर पूरी बात लिख देता हूं अंतर दो सौ पचास है भागफल तीन शेषफल दस आता है तो छोटी संख्या पूछ रहा है एनी वन कोई कर पाएगा नहीं कर पाओगे तो नो लिख दो एक बार नहीं कर पाओगे तो एक बार नो लिख के कमेंट करो ऑप्शन दे दे रहा हूं चाचा एंड चाची देख लो भैया देख लो देख लो इधर 120 है 210 है 180 है एंड डी नंबर 320 है चलो कितना आएगा सभी प्यारे साथी फटाफट जवाब देंगे कितना आएगा चलिए बताइए कितना आएगा देखिए मेरी क्लास में ना कुछ ऐसे जो वर्ड होते हैं वो सबके लिए नहीं होते हैं तो ये आप समझ लीजिए फटाफट जवाब देंगे कितना आएगा आगे बढ़े चलिए इसका करेक्ट आंसर है वन ट्वेंटी कितना आएगा वन ट्वेंटी करेक्ट आंसर है जिनको ना आएगा वो नो लिख के कमेंट करेंगे देखो बहुत सिंपल है बात तो हो रही है भाग की भाग की बात हो रही ना कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 250 है अंतर मतलब एक दूसरे से घटाने पे 250 आ रहा है मतलब संख्या बड़ी है भागफल तीन है शेषफल दस है छोटी संख्या बतानी है ए भैया सुना हो का सुना देखो इधर अगर मैं बारह में से पांच घटाऊं और सात आए हम्म नारह में से पांच घटाया सात यानी दो संख्याओं का अंतर जो है सात है मैं ऐसे बोलूं वो क्वेश्चन छोड़ो बाढ़ में जाए इसको देखो दो संख्याओं का अंतर सात है ठीक है और छोटकी संख्या से बड़की संख्या में भाग करने पर जो कुछ भी आ रहा है उसको छोड़ो किनारे करो पहले तुम इतने समझ जाओ कि अंतर वाली जब संख्या मिल जाएंगी तो आंसर तो वैसे आ गया ना हा? तो ये बताओ दो संख्याओं का अंतर सात आ गया ना अगर इसमें हमें बड़ी संख्या ना पता हो गायब हो तो बताओ ये संख्या कैसे मिलेगी बड़ी वाली कैसे मिलेगी ईमानदारी फिर सुनिए मैंने कहा कि दो संख्याओं का अंतर सात है ठीक है दो संख्याओं का अंतर सात है जिसमें छोटी संख्या पांच है तो बड़ी संख्या क्या होगी बोलो यहां तो बताओ दो संख्याओं का अंतर सात है जिसमें छोटी संख्या पांच है तो बड़ी संख्या क्या होगी तुम्हें दिख रहा है नकल करने के लिए तो आकर लगा लो बारह है ना बड़ी संख्या बारह है ना हा बड़ी संख्या बारह है लेकिन बारह कैसे आती है अगर बारह हमें नहीं पता थी कहां से आएगी तो हम इसको दोनों जोड़ सकते कि नहीं सात पांच जोड़ सकते थे ना इनको जोड़ के अगर निकाल सकते थे ना यानी अंतर और छोटी संख्या जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी सिंपल सा बात है देखो सूत्र बन गया ना हम्म तो छोटी संख्या में निकालना था बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे अंतर धन छोटी संख्या ये आ गई बड़ी संख्या लेकिन हमें तो भगवान भरोसे कुछ नहीं पता है तब क्या करेंगे इसमें सब कर लेंगे मैथ का स्टूडेंट है सब कुछ मान लेते हैं या आजकल लोग पता नहीं क्या क्या मान के जी रहे हैं अब तुमको संख्या मानना नहीं आ रहा चलो देखो अब मानेंगे छोटी संख्या बराबर अब हल करते हैं माना छोटी संख्या बराबर यक्ष ठीक है छोटी संख्या मैंने यक्ष मान लिया चल को नहीं रहा है छोटी संख्या यक्ष तो बड़ी संख्या क्या आएगा बड़ी संख्या क्या होती है अंतर प्लस छोटी संख्या अंतर कितना है 250 प्लस छोटी संख्या अब समझ ना? पूरा खेल तो अब हो रहा है समझना कैसे यहां बात हो रही थी भाग की ए भैया सुना था यह देखना कह रहा था कि छोटी संख्या में बड़की संख्या से भाग देने पर समझने की कोशिश करिए सुपर टेट का क्वेश्चन है ये टीचर भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन है ये नॉर्मल नहीं है समझने की कोशिश करिए भागिए मत छोटी संख्या में बड़ी नहीं बड़ी में छोटी से भाग करने पर तो बड़ी संख्या में भाग होगा तो ये हमारा हो जाएगा पचास मान लो की संख्या यक्स है कह रहा था कि भागफल तीन आ रहा है शेषफल दस आ रहा था बोलो स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा था ना ऐसे बन रहा है ना एक्स मान निकालना है सिंपल है चलो अब हो गया डन आंसर आ गया देखो कैसे ये चीज आपको पता है बचपन से भाज्य बराबर भाजक गुड़े भागफल अभी इंग्लिश में बोलूंगा रुक जाओ यानी डिविडियंट इक्वल डिवाइजर इनटू टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो भाज्य क्या है एक्स प्लस दुसो पचास भाजक कितना है यक्स भागफल कितना है तीन शेषफल कितना है दस तो भैया हो चाचा हो कुछ समझा हो का इनको गुणा करोगे तीन एक्स हो जाएगा ना ये उधर चले जाएंगे इनको उधर भेज दो चाहे तो इनको इधर ले आओ जो मर्जी तुम्हारा वो करो चलो यक्स माइनस ये इधर आएंगे तीन एक्स इधर दस माइनस दुई सौ पचास एक सौ बीस आया कि नहीं आया ना ये माइनस दूस माइनस दुई सौ चालीस यक्स बराबर माइनस दुई सौ चालीस बटा माइनस का दू काट दोगे एक सौ बीस आएगा समझ में आया ये सुपर टेट का क्वेश्चन है सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है हर कोई नहीं समझेगा मुझे पता है आधा ज्यादा भाग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा अभी मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करवाता तो तुम बहुत मजे से देखते इसीलिए मैं भी नहीं करवाता बड़े बड़े क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी शशि प्रभा समझ में आ रहा है प्रतिमा यादव मिथ्थी मिश्रा भाई आपका नाम ही है जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ और है ये सुपर टेट का क्वेश्चन है मैं जब पढ़ाया हूं सुपर टेट उसमें भी ये पढ़ाया गया है जो बच्चे ऐप में ज्वाइन है उनको पता होगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं ये बताइए आगे बढ़ें सब सही जा रहा है ना एकदम मुझे लग रहा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और क्या क्या टॉपिक पढ़ाया गया था परसेंटेज जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं ये बताइए कोई स्टूडेंट है बच्चा है जो 600 के पूर्णांक में से 420 नंबर पा रहा है तो वो कितने परसेंट नंबर पाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बच्चे लोग स्कूल जाएंगे पढ़ेंगे रिजल्ट आएगा तो कम से कम आप परसेंटेज तो निकाल सके हमारे बच्चे हुआ बच्ची कितना परसेंट बना है भले मैथ ना पढ़िए बाकी अलग बात है बताओ एक स्टूडेंट है जिसका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक क्या है मैक्सिमम मार्क्स है छ सौ अब प्राप्तांक है 420 तो कितना परफेंट नंबर बना ये बताओ एनीमन कोई बता पाएगा एक बार फिर सुन लीजिए एक स्टूडेंट हाई स्कूल की परीक्षा में यानी 600 के पूर्णांक में से 420 नंबर लाता है तो कितने परफेंट नंबर पाया ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कम से कम परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए हम्म देखो सिंपल में इसका एक सूत्र होता है परसेंटेज बराबर प्राप्त आप टेंट मार्क्स इनको हंड्रेड पूर्णांक से भाग कर देना है यानी मैक्सिमम मार्क्स से प्राप्तांक चार सौ बीस है गुड़ा सौ पूर्णांक छह सौ दो जीरो से दो जीरो मारो इनको भाग जाए यहां से कहा हो रहा है यार ये सही तो हो रहा है सत्तर परसेंट नंबर पाया कितना पाया सत्तर परसेंट आजकल के जमाने में तो नब्बे परसेंट भी कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग के बचपन में जब भैया लोग पढ़ते थे ना अगर हाई स्कूल में कोई पास हो गया तो चार गांव नाम होता था भैया का लड़का वा, हाई स्कूल पास हो गया है इस समय लोग बीटेक कर -कर करके एम करके बैठे हुए हैं जो एमबीबीएस बोल रहा हूं कोई मतलब इज्जत उतनी नहीं है है ना इज्जत होती थी वास्तव में लड्डू खवाया जाता था चार मतलब रिश्तेदार तक लड्डू बांटते थे भाई पास हुआ है, आज के बीस साल पहले तो हो गया फिलहाल आज का टाइम खत्म होता है आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू अगर आपको मैथ नहीं आती है तो पी स्टडी में रात नौ बजे से फ्री क्लास देखें और रियल में आप सीख सकते हैं उम्मीद करिए आप पक्का सीख जाएंगे ठीक है